नमस्ते जी सभी को। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ एक टोकरी अच्छी सी, जो इन गत्तों से हम बनाएंगे। ये मेरे पास एक पेटी थी तो उसके मैंने गत्ते काट लिए हैं। ये मैं दो बनाऊंगी तो मैंने दो के काट के रख रखे हैं, तो आप देखिए कैसे बनाते हैं। और तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी बनाना। इसमें ना तो आपको फेविकोल की ज़रूरत है, ना ही गम की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप सिलाई मशीन से बना सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ टुकड़े पड़े हैं और ये छोटे छोटे ही टुकड़े हैं। आप ये मत सोचना कि मैं इनको खरीद के लाई हूँ। देखो, इन्हीं से मैं बनाऊँगी जो घर में रखे हैं। इसके साथ मैं ये वाला यूज करूँगी और इसके साथ मैं ये तो वाइट लगाऊँगी, नहीं तो ये ग्रीन भी लगा सकती हूँ। देखती हूँ कौन सा लगाऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं बनाना, देखते हैं कैसे बनाना है। ये हम दो मेथड से बनाएंगे। आपको जो इजी लगे आप उससे बना सकते हैं, जो भी मेथड आपको इजी लगे। एक मेथड तो ये है कि आप कपड़े के ऊपर इस तरह इसको रखें और इसको कटिंग कर लें। एक होता है कि आप दोनों कपड़े एक साथ रखें। ये तो एक ही मेथड है जो मैं अभी पहले एक बास्केट जो बना रही हूँ, ये एक मेथड से बनाऊंगी, तब दूसरी बनाएंगे हम। तो अभी मैंने जैसे एक कपड़ा लिया है, ये हम अंदर की साइड रखेंगे और जो वाइट बेस का कपड़ा है वो बाहर की साइड रखेंगे। तो मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ इसको। जो अंदर वाला कपड़ा है हमें बाहर वाले कपड़े से थोड़ा ज़्यादा लेना है, कोई समथिंग 3 इंच के करीब ज़्यादा लेना है हमें। और ये मैंने जिस बेस नाप की मेरी पेटी थी उसी नाप से काट लिया है, कोई इसमें मैंने मेजरमेंट नहीं किया है। दूसरे वाला जो मैं बनाऊंगी उसमें मैं आपको अच्छे से मेजरमेंट करके बताऊंगी। तो आप सिलाई के लायक कपड़ा छोड़ते हुए तो इसको ऐसे काट सकते हैं यहाँ से। ऐसे ही आप तीनों साइड जो भी हमारी हैं, एक साइड दो तो लंबे वाली साइड होगी, दो छोटी साइड होगी है। अब मैंने देखो ये तीनों अपने जो हमारे बेस हैं वो रख लिए हैं इनके ऊपर, और एक तो बिल्कुल इनके पास लाइन लगा दिया और एक थोड़ी दूर लगा रही हूँ, ताकि सिलाई में जो कपड़ा आएगा उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए हमें। तो हमें जो मैंने एक्स्ट्रा ये डबल बिछा रखा है मैंने, तो आप सिंगल काटना, डबल मत काटना। तो ऐसे ही हम इसको काट लेंगे, तीनों पीस का अलग अलग काट के रख लेंगे। और फिर तीनों पीस को रख के ही हम जो अंदर हम कपड़ा लगाएंगे इसमें वो भी काट लेंगे। तो एक तो तरीका ये होता है कि आप ऐसा अलग अलग काट के और फिर जोड़ लें। अरे ये बहुत सुंदर बन के तैयार होगी बास्केट। अब जैसा कि भाई हमारे पास तो फेविकोल कहाँ से लाएं, रस्सी कहाँ से लाएं, आपने बास्केट बनाई तो आप ऐसे बनाइए, देखो कितनी अच्छी बनेगी और कितना अच्छा इसमें आप सामान स्टोर करके रख सकते हैं। देखो ये एक पीस है, अभी मैं आपको मेजर करके अभी बता देती हूँ। ये पीस ना 9 इंच का है, 9 इंच का। तो आप जो नीचे वाला पीस ले रहे हो वो 11 साढ़े 11 इंच का ले लो, ठीक है? तो 2 इंच भी बहुत है फालतू, इसे 11.5 इंच ले लो आप, तो 2 इंच फालतू हो जाएगा और थोड़ा सा सिलाई में निकल जाएगा। तो ऐसे ही आप तीनों के मैंने इनके कट कर लिए हैं, जो छोटे वाले गत्ते के वो थे टुकड़े उनके भी कट कर लिए। तो जैसे मैंने ये एक एक लंबे वाला टुकड़ा और एक ये छोटे वाला ऐसे जोड़ा, इसके ऊपर फिर एक लंबे वाला टुकड़ा जोड़ेंगे ये, और ऐसे ही फिर छोटा, फिर इन्हें दोनों को एक साथ सिल लेंगे। देखो फिर लंबा जोड़ा था, फिर छोटा जोड़ रहे हैं। और ये आप सोच रहे होंगे कि ये मशीन तो पैरों वाली है, मैं हाथ से चला रही हूँ, मुझे ना पैरों से चलानी नहीं आती है, मैं चलाती तो सीधी हूँ, वो उल्टी भाग जाती है। अब जब पैर पायल को चलानी होती है तो वो पैरों से चलाती है, और जब मेरे को चलानी होती है तो मैं हाथों से ही काम करती हूँ उस पर, क्योंकि मुझे अभी चलाने नहीं आते पैर। ऐसे ही हम ये जो अंदर कपड़ा लगेगा उसके भी पीस, चारों पीस एक साथ जोड़ लेंगे। ये इतना आसान है बनाना, जिनको कुछ भी सिलाई नहीं आती इसे वो भी बना सकते हैं बिल्कुल। मतलब ये सोचो कि आप जैसे
जिसने अभी शुरू किया वो भी, इसको बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगानी है, इसमें कुछ नहीं करना है ना, कोई ऐसी खास कटिंग है। तो इसमें तो जो जिसको बिल्कुल सिलाई नहीं आती इसे वो भी बना सकता है। आपके पास सिलाई मशीन अगर नहीं है तो भी आप सुई से भी सिलाई करके तो भी इसको बना सकते हो, इतना आसान ये है। और बताइए आप सब कैसे हैं, देखते रहिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको समझ आए। देखो हमने ये इसको उल्टा रखा है इस तरह, और इसको भी उल्टा रखा है, मतलब एक तरह से देख लो आप, उल्टे के ऊपर उल्टा ही ऐसे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो आप उसको काट दें, बिल्कुल लेबल कर लें कपड़े को, क्योंकि कटिंग में हो भी जाता है कुछ छोटा बड़ा। और इसको ऐसे ही हम सीधे पूरी इस पर सिलाई लगा लेंगे, जो चारों पीस हमने जोड़े हैं ना ऐसे रखते हुए, चारों को एक साथ सीधा सीधा जोड़ लेंगे। देखो कहीं कुछ मोड़ तोड़ कुछ नहीं करना है। देखो ये बन के तैयार हो गई है हमारी पॉकेट्स चारों, जो हमने जोड़े थे ना, जोड़ जोड़ के बनाए थे। इसमें हम ये अब जो हमने गत्ते लिए हैं इन पॉकेट्स में हम ये गत्ते अंदर डाल देंगे, दोनों कपड़ों के बीच में ये गत्ते डाल दिए हमने जो सिला था। देखो नीचे भी एक गत्ता रख दिया है, देखो ये चारों तरफ गत्ते आ गए ना। जब आपको धोना हो गत्ते बाहर निकाल लो, इसको धो लो। और ये जो अंदर वाला कपड़ा हमने फालतू लिया था, तो ये हमने इसलिए फालतू लिया था क्योंकि हमें ये बाहर की तरफ मोड़ना था। चाहे तो आप जो अंदर गत्ता रखा है इस पर भी कपड़ा लगा सकते हैं। देखो एक मेथड से तो ये बन गई है, और दूसरा मेथड बहुत ही ईजी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हमें ये बनाना है बिल्कुल आसान विधि से, ठीक है। तो हमारा ये जो इसका नाप है अट्ठारह इंच और अट्ठारह छत्तीस 36, और ये है 7.5, 7.5 और 7.5 15 और 36, ऐसे आप इसे नाप सकते हैं। ये तो टोटल लेंथ इसकी हो जाएगी 51। तो इसके नाप का मैंने ये वाला फैब्रिक लिया है, इसमें मैंने जोड़ लगाया क्योंकि मेरे पास इतना लंबा नहीं था ये वाला फैब्रिक। तो आप इसके नाप का ये फैब्रिक ले लें ऐसे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए, नीचे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए। और ये वाला फैब्रिक, एक ये वाला फैब्रिक ले लें, इसकी लंबाई 51 ही लेनी है। और जो इसकी ऐसे लेंथ है ये, हमें इससे इस वाले से ये 3 इंच ज्यादा लेनी है क्योंकि हमें ये इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करना है। तो ये वाला 3 इंच फालतू ले ऐसे, और ऐसे लंबे दोनों 51 51। तो अब हम ये, अभी हमें इनका क्या करना है, अभी हम इन्हें नीचे से ऐसे यहाँ पे नीचे इसमें लंबी दोनों को पकड़ के नीचे इसमें हम सिलाई लगा लेंगे पूरा। इसको हम ये दोनों पट्टियाँ सीधी सीधी पकड़ के ऐसे ही और सिलाई लगा लेंगे। सीधा ही रखना है ऊपर वाला कपड़ा, सीधा ही रखना है, ऐसे ही सीधे की तरफ ही सिलाई लगेगी क्योंकि नीचे इसमें कपड़ा भी लगाना है हमें। तो अब देखो ये पूरी सिलाई लग गई है इस पर ऐसे ही। मैंने इसके ऊपर वापस ये कार्डबोर्ड के टुकड़े रख दिए हैं, तो जैसे हमने कार्डबोर्ड रखे हैं ऐसे आप देखो, ये पहले वाला कार्डबोर्ड है, इधर थोड़ा सा सिलाई के लिए छोड़ दिया, इधर ये एक लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने, यहाँ पे एक हमें सीधी सिलाई लगानी है। ये इधर से यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ भी हमें एक सीधी सिलाई लगानी है पॉकेट बनाने के लिए जिसमें हम ये गत्ते इंसर्ट करेंगे, और यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और एक लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे।
तो हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट नाप हो गया। जब ये पॉकेट बनेगी और ये गत्ते हम उसके अंदर डालेंगे तो ये ढीले नहीं आएंगे ना ही टाइट आएंगे। तो आप ऐसा बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई देखो मैंने इसमें लगा दी है, देखो ये पॉकेट बन गई है, ठीक है। ये दो लंबी पॉकेट दो छोटी, अभी हम इसे ऐसे पकड़ के आपस में जोड़ देंगे। तो ये देखो आप जो ये सिलाई है, एक तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा सा, तो सिलाई से आप ये सिलाई से सिलाई मिलाते हुए ऐसे लगा दे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा वो बाद में कट जाएगा। अब हम इसमें नीचे की साइड भी ऐसे यहाँ से यहाँ जैसे चकोर है तली बनाने के लिए इसकी, ये कपड़ा लगा देंगे इसमें। तो मैं चारों तरफ उसमें कपड़ा सिल देती हूँ। आप जहाँ सिलाई से सिलाई कोना पकड़ते हुए ऐसे कपड़ा लगा लें तो ऐसा ये एक टोकरी नुमा बन जाएगा, थैला सा, ठीक है। अभी तो आपको थैला लग रहा है लेकिन जब हम इसमें गत्ते डाल देंगे तो ये टोकरी का रूप ले लेगा। तो अभी ये मैंने नीचे वाला जो गत्ता है इसकी तली में जो हम रखेंगे उसके लिए भी एक थैला सा सिल लिया इस तरह का, ये गत्ता उसमें डाल दिया। अब देखो ये जो मैंने पॉकेट्स बनाई हैं इसमें ये गत्ता डाल रही हूँ मैं। अब गत्ता डालते ही ये एकदम इतना अच्छा लुक आ जाता है इसका। अब देखो इसमें आपका कोई खर्चा नहीं हुआ, पुराना घर में कोई कपड़ा पड़ा हो, पुरानी चुन्नी, कोई साड़ी, आप उससे भी ऐसा बना सकते हैं। आपका सूट है पुराना उसमें से कपड़ा निकाल लीजिए, उससे बना लीजिए, इतना बड़ा ना बनाए छोटा बना लीजिए। अब ये वाला देखो इस, ये भी मैंने थैले में डाल दिया तो ये एक अच्छा सा बन गया है, पहले वाले में तो मैंने ऐसे ही रख दिया था। अब इसे आप आराम से ऐसे बाहर फोल्ड कर दें, देखो ये एक टोकरी बन के तैयार हो गई है, कितनी सुंदर। और इसमें खर्चा क्या आया है, बिल्कुल कुछ भी खर्चा नहीं है। देखो ये मैंने थोड़ा सा फोल्ड कर दिया, ज़्यादा बड़ा लग रहा था मुझे तो थोड़ा सा अंदर मैंने मोड़ दिया है। और देखो ये कितना प्यारा सा पीस बना है बिना खर्चे के, बस आइडिया होना चाहिए। और अगर आपको कुछ भी पसंद आया था तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। और जब ये गंदे हो जाते हैं ना तो आप इसके गत्ते निकाल लीजिए और फिर इसे धो के वापस गत्ते इसमें ही लगा दीजिए। देखो इस पर भी कपड़ा लगा सकती हैं अगर आप लगाना चाहें तो। देखो दो बास्केट मेरी बन गई हैं, इनमें आप कुछ भी रख सकते हैं, कपड़े रख सकते हैं नए पुराने या कुछ और जो भी आपको रखना हो, यूज करने का तो आपका मतलब अपना तरीका है कि आप किस तरह यूज करते हैं। देखो मैंने इसमें अपने ये सारे पेटीकोट वगैरह रख दिए हैं, एक में ब्लाउज रख दिए हैं सारे और एक में पेटीकोट, देखो हो गए ना यूज। अब ये मुझे तो जी कैसी लगी आपको मेरी मेहनत, देखो इसमें आपको ना फेविकोल की जरूरत है ना ग्लू की जरूरत है, आपके घर में बस एक गत्ता होना चाहिए और एक बेकार कपड़ा। देखो ये मेरे पास बेकार टुकड़ा पड़ा था और ये भी, ये तो बल्कि मैं दीदी के पास से लेके आई थी, मेरे ट्वेल्थ दीदी के पास से पायल कुछ कुछ बनाती रहती है ना अपने फैशन जो कॉलेज में करती है उसके लिए, तो उसी में से ये दो पीस पड़े थे तो इसमें से मैंने ये बना दिया देखो। और इसमें मेरे सारे पेटीकोट जितने भी हैं मतलब जो बाहर डेली यूज में यूज होते हैं वो वाले सब आ गए हैं, न्यू तो सब साड़ियों के साथ रखे रहते हैं। देखो कितने सारे, और देखो ऐसे उठ निकालो ये गिरेंगे नहीं कुछ नहीं, सब कलर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, आपको जो चाहिए वो निकाल लो। तो मैंने शेड के अकॉर्डिंग ये लगा दिए इसमें, जब चाहिए फटाफट निकालो, किसी को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। जल्दी में कई बार होते हैं अरे मिल नहीं रहा, तो आप इस तरह बना के इस तरह रखें। ऐसे ही ब्लाउजेस हैं जो मेरी नॉर्मल ऐसी साड़ियाँ हैं जिन्हें मैं घर में डाल लेती हूँ वो इसमें हैं, और प्लेन ब्लाउज जो मेरे पास है वो ये हैं, चार पांच ये सिल्क के ब्लाउज हैं ये इसमें रखे हैं। और ये मुझे इतना अच्छा लग रहा है बनने के बाद कि ऐसे मैं कई सारे बना लूँ और कई चीज़ें रख दूँ इनमें स्टोर करके, क्योंकि कई बच्चों के कपड़े भी ऐसे होते हैं जो इधर उधर पड़े रहते हैं, बनियान वगैरह इधर उधर तो नहीं पर हाँ बच्चे मैसे कर देते हैं सेफ को जल्दी से, तो अगर आप ऐसे रखेंगे तो बड़ा अच्छा काम होने वाला है, कम दाम में और बढ़िया काम। तो करिए आप भी। चलो ठीक है जी, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, मेरी वीडियो में आपको कुछ भी काम के लायक चीज़ लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें,
और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले प्लीज। तो चलिए मिलती हूँ अपनी ओर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।